टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के रेती बंदर पर और आपको बता दें कि कलबा से मुमरा आने जाने वाला जो रास्ता है, बहरहाल ये दोनों तरफ से काफ़ी ख़राब हो चुका था यहाँ पर गड्ढों की भरमार, लेकिन अब जो है इस रोड का काम शुरू किया गया। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि रास्ता भी जो है डाइवर्ट किया गया है और इसका जो काम जो शुरू किया गया है, बहरहाल वो पहला जो मुमरा से कलवा के तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते का काम शुरू किया गया है, उस रास्ते को जो है जेसीबी लगाकर अभी खोद दिया गया है और वो रास्ता बंद होने की वजह से मुमरा से जो लोग कलवा के तरफ जाते हैं उन लोगों को यहाँ बाजू से ही जो कलवा के तरफ से आने वाला मुमरा की तरफ रास्ता है उसके जस्ट बाजू में ही रास्ता दिया गया है। लेकिन इस पर भी तमाम जो यहाँ के ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं उनका कहना है कि बहरहाल जो काम शुरू किया गया है वो अच्छा काम है क्योंकि इस रोड का काम होना बेहद ज़रूरी था। लेकिन ऐसे में जब रोड का काम शुरू किया गया तो जो रास्ता डाइवर्ट किया गया है उस रास्ते को भी ठीक तरीके से बना के देने की इन रिक्शा ड्राइवरों की मांग थी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसी से जो है एम्बुलेंस देखेंगे आप किसी इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों से एम्बुलेंस की गाड़ियाँ हैं, ऑटो रिक्शा है, बस है और इस तरह से सभी लोगों को इन बड़े बड़े पत्थरों से होकर आना जाना पड़ता है। दरअसल लोगों का कहना है कि जब काम शुरू किया गया तो उस वक्त पहले इस रोड को क्लियर कर दिया जाता, पहले बना दिया जाता, उसके बाद जो है दोबारा उस रोड का काम यहाँ पर जो है शुरू किया जाता, लेकिन ऐसा ना करने की वजह से जो है लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस वजह से हमने जो मनपा के अधिकारी हैं धनंजय गोसावी उनसे बात की, उनका कहना है कि हम इस रोड पर जो है यहाँ आज रात में यहाँ पर जो है इस पर भूसा डालकर और पानी का छिड़काव कर देंगे ताकि आने जाने वाले लोगों को जो है इस तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। बहरहाल आपको बता दें कि इस तरफ जो कलवा से मुमरा से कलवा जाने वाला रास्ता था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी खुदाई कर दी गई है पूरे रोड की, और देखेंगे जो कलवा से मुमरा आने वाला रास्ता है इसके जस्ट बाजू से ही जो है तो आपको बता दीजिए नया रोड यहाँ पर गिट्टी पत्थर डालकर बनाया गया, यहाँ से कलवा की तरफ जाने के लिए दिया गया है। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब अधिकारियों को मालूम था कि इस रोड का काम शुरू होना है तो इसे बनाकर क्यों नहीं पहले दिया गया, इसलिए सबसे बड़ा सवाल उठता है। बहरहाल आपको बता दें कि इस रोड का काम जो किया जा रहा है ये काफ़ी और भी चौड़ा रोड यहाँ पर होगा। बहरहाल इस पूरे मसले पर जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं उनसे हमने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पहला ये रोड का काम चालू करना मांगता था, उसके बाद उधर का रोड खोदना मांगता था। अगर एक रोड क्लियर हुआ तो वहाँ का खोद दिया। हाँ, एक क्लियर करो दूसरा चालू करो ना। आज हमको क्या तकलीफ हो रही, शिफ्ट की गाड़ी चलाता हूँ मैं, गाड़ी का मेंटेनेंस ये करेंगे हम क्या, वो मालिक को शिफ्ट दे के घर खर्चा चलाएंगे। हाँ, ये रोड का कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या लग रहा है, एक तरफ अभी काम चालू किया गया है लेकिन जो दूसरे तरफ से आप लोगों को आने जाने के लिए कहा गया है, इधर भी बड़े बड़े पत्थर, पत्थर। तो अगर इस पे भी पाउडर मार के दे दिया गया होता बड़े बड़े पत्थर तो अंदर दब गए होते, पानी मार के पूरा पाउडर मारते तो भी चलता था। आज हमारी हालत क्या है, चल चल के गाड़ी की शिप क्या देंगे, खाए घर में क्या लेके जाएंगे और खर्चा क्या करेंगे। काय बोलणार आहे आपण, एक रोड म्हणजे इकडचे जो रोड आहे त्याचं काम झालं नाही, अजून ते पलीकडचं रोडचं काम जे खोदून टाकले त्याच्यावरती आपण काय बोलणार? याच्यावरती बोलणार, एकदम गलत काम करीत घेतले आम्ही। आधी पहिला रोड तर चांगला नव्हता आधी, एक रोड ते क्लिअर करून द्या, त्याच्या नंतरचं जे काम आहे तुम्ही करून द्या, एकही रोडचं काम झालं नाही। अजून दोन्ही रोड तसे तसे आहेत, एक पण नाही रोड आम्ही बनवला, एक रोड तरी क्लिअर करायला पाहिजे होता यावी पहिला। तर आपण जे अधिकारी आहेत त्यांना तुम्ही काय बोलणार आहे? अधिकारी आहे काय, आमची रिक्षाचा पूर्ण खराबी होत चालली, इथे टायर खपतात, हे सर्व हे होत चालली आली। भाई हालांकि एक साइड बना लेना चाहिए था, बाद में फिर एक साइड ये करना चाहिए था, अब ये दोनों साइड, ये भी रोड खराब है वो भी रोड खराब है, आदमी जाएगा कैसा, पैसेंजर को लेके जाना है, गाड़ी का भी देखना है तो कैसा क्या होएगा। और काम भी लग रहा है काफी दिन तक चलेगा, काफी दिन तक चलेगा भाई। जब तो लोगों को तकलीफ होती थी, तकलीफ में और तकलीफ बढ़ गई भाई, अभी ऐसा है तकलीफ और ज्यादा हो गई है, बहुत मुसीबत काम कर दिया है इन लोगों ने तो हमारा, मतलब कहीं ना कहीं ये रोड तैयार कर देना चाहिए, ये रोड पूरा तैयार करके वो खोदना चाहिए था, ऐसे में बहुत तकलीफ हो रही है हमको। आने जाने
आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, उधर रॉन्ग साइड मारना पड़ रहा है, उधर ट्रैफिक हो रही है, खड्डे इतने हैं। बोला ये रोड क्लियर करके फिर वो बनाना मांगता था।